आज हम बनाने जा रहे हैं कैश्यू केक। एक ये हेल्दी डिजर्ट है। और ये सर क्या है? डेट्स। डेट्स को हमने चॉप कर रखा है, मतलब इसका जेन्युइन जो वो है जुकनी है, बड़ा ग्रीन पर इससे भी टेस्ट आता है। तो ये है आपका डेट्स। और इसमें क्या डालेंगे सर? फिर डेट्स और चॉप वॉलनट और आलमंड इसमें डालेंगे। क्या क्या है इसका मतलब क्वांटिटी? वो आप पर डिपेंड करता है, मतलब कितना बना रहे हो, कितना बड़ा चाहिए, और जो मुझे बड़ा क्वांटिटी चाहिए। तो ये देखिए, हमने डेट्स को चॉप कर रखा है, सोक करके रखा है, आलमंड और वॉलनट, और ये क्या सर? कोको पाउडर फ्लेवर के लिए। इसको मैश करेंगे। ये देखिए, चॉकलेट फ्लेवर बन गया। और थोड़ा फ्लेवर के लिए इसमें ऑरेंज ब्लॉसम डालेंगे। ये देखिए, अच्छा। और ये कैश्यू केक का बेस रेडी हो गया है, लगभग ये 80% रेडी हो गया ना सर? 50% रेडी हो गया। मीन्स अब इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए, ढंग से जुड़ जाए, मैश हो जाए। इसके बाद सर ये देखिए ऐसे करेंगे। अब हम एक ये चिपन डिश टाइप का हम ये प्लास्टिक में लेंगे और फॉइल ऐसा हम इसको रखेंगे नीचे। और ये देखिए इसमें हम और ये कैश्यू केक का टॉप का बना रहे हैं, टॉप का लेयर। ये इसका बेस लेयर है, ये टॉप लेयर बना रहे हैं हम। ये है तुम्हारा जुकनी 430 ग्राम, और ये जो डाला है हमने ये लेमन जेस्ट। और ये है कैश्यू, इसको सॉक, ये कैश्यू है, इसको सॉक करके रखेंगे हम। सॉक मतलब 24 आवर्स को भिगो कर रखेंगे। शुगर डिपेंड ऑन टेस्ट, और ये शुगर है डिपेंड ऑन टेस्ट। देखिए मतलब लगभग 20-30 ग्राम डालेंगे अलग ना सर? 70 ग्राम, मतलब एक मीठा के अनुसार, जैसे कितना मीठा होना चाहिए, ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम मीठा। तो ये हमने डाल दिया जार में। और ये कितने कैश्यू के? ओके, कैश्यू नट कितने? 400 से 500 ग्राम हमने कैश्यू सोक करके डालना है, इसको भिगो के रखना है हमने एक दिन तक, ठीक है। और थोड़ा इसको क्रीमी करना है, मतलब थोड़ा इसको लिक्विड फॉर्म में करना है, तो हल्का सा पानी चाहिए, मतलब एकदम सॉलिड भी नहीं करना है, एकदम लिक्विड भी नहीं करना है, मतलब हल्का सोलेबल होना चाहिए। ये हो गया। और इसमें डालेंगे हम लेमन जूस, लगभग कितना सर? 15 ml, 15 ml हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। ये देखिए, ये डालेंगे हम वनीला पाउडर डालेंगे, मतलब 2 से 3 ग्राम डालेंगे टेस्ट के अनुसार। ये देखिए, अभी हम एक सॉस बॉल में, सॉस पैन में हम थोड़ा सा वाटर लेंगे, पानी लेंगे, और अगर डालेंगे, ताकि जो उसका जो सॉस है वो मतलब उसको पकड़ सके, और मतलब ऐसे जैसे कि उसको वो हो सके हार्ड करने के लिए, जैसे उसका हार्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग सेट करने के लिए, मतलब ठीक है। और ये कितना है? 1/4 मतलब 1 टेबल स्पून ये डालेंगे हम अगर डिपेंड ऑन द रेसिपी। अगर आपके पास ये नहीं है तो जेलेटिन यूज कर सकते हैं, जेलेटिन नहीं है तो आप पेक्टिन यूज कर सकते हैं, जो भी आप स्टिकी करने के लिए, स्टिकी करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं बस। उसके बाद तो हम ये क्या बोलते हैं, जुकनी का पेस्ट कर रहे थे, वो पेस्ट भी रेडी हो गया। देखिए ऐसा पेस्ट है, इसको मिक्स करके इसको कुक करना है, इसको अगर डाला है और वाटर डाला है तो मिक्स करके इसको हल्का बॉइल करना है, पाँच दस मिनट मतलब वेरी फ्लेवर चाहिए। ये हम फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं, कैसा है ये? मिक्स बेरी सॉस है,
फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं, मतलब कम से कम 3-4 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, इसलिए डाला हमने, कलर भी आएगा और हल्का फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए अभी मिक्स कर दिया हमने, इसका कलर ऐसा चेंज हो गया वाइट से लेकर हल्का, ये मतलब हल्का रेड, हल्का सा रेड हो गया हल्का, मतलब ये देखिए जो हमने इसमें अगर डाला था अभी हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, हल्का हल्का ठीक हो रहा है। तो इसको ऐसे से तो हम कर देंगे, अगर ऐसे नहीं करेंगे पीछे, हाँ अगर ऐसे अगर हम इसको जाएंगे नहीं तो इसमें छोटे छोटे गुट्टी गुट्टी बन जाएंगे, मतलब पीछे बन जाएंगे, छोटे छोटे दाने टाइप बन जाएंगे। तो इसको ऐसा करना बहुत जरूरी है, देखें ऐसे बनाना बहुत जरूरी है ताकि वो ठीक हो जाए, जो हमारे कैशियो का अगर टॉप है वो ठीक रहे, हल्का सा मोटा रहे और हार्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा। अब ये हो गया, उसके बाद हम इसको इसमें मिक्स करेंगे, देखें इसमें मिक्स करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, देखें अभी हम इसको इस बेस पे डालेंगे, देखिए और इसको डालने के बाद इसको 24 आवर्स के लिए हम फ्रीज कर देंगे ताकि ये सॉलिड हो जाए, हार्ड हो जाए और फिर इसके पीसेस काटेंगे ना, पीसेस फिर इसके पीसेस काटेंगे। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा होता है कैशू, देख गार्निश वर्निश सब कुछ दिखा दूंगा। देखिए इसको ऐसा करके फ्रीज कर देंगे, इसके ऊपर कुछ डालेंगे सर, कौन कर देंगे बस आपको फिर अभी दिखाते हैं हमने बनने के बाद। देखिए फाइनली कैशू केक के ऐसा है, कैशू केक का ये बना। अब इसको हम पीसेस में काटेंगे, इसका डाउन मतलब निचला हिस्सा है और इसका ऊपर हिस्सा ये है, तो इसको ऐसे इस तरह काटा जाएगा। ये देखिए ये इसका सीधा हिस्सा, देखिए ये देखिए हमारे सर इसको कटिंग कर रहे हैं इसका अभी, ये देखिए देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, कितना टेस्टी, कितना लजीज लग रहा है। ये ये देखिए बस इसके 2 पीसेस बना दिए अभी, अभी ये देखिए कैशू केक। इसके कितने पीसेस बनेंगे लगभग सर बता दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 लगभग लगभग 15-16 पीस बनेंगे मेरे हिसाब से। ये देखिए इसका एक पीस इतना है, अब हम इसको ऐसे रख देंगे एज ए स्टॉक, कभी भी कस्टमर डिमांड करेगा तो हम यहाँ से निकाल के इसको सर्व करेंगे। क्यों सर जी? जी ये देखिए काफी अच्छा हो रहा है टेस्ट इसका, काफी सही आ रहा है सर। ये देखिए ये देखिए अब हम कैशू केक का प्लेटिंग कर रहे हैं, तरह इसका हम डिजाइनिंग करेंगे, ये एक टेक्सचर स्टाइल है और इसको इस तरह रखा जाएगा। और ये सब क्या है? ये क्रम्स है आलमंड नट्स का, इसको वो कर रहे हैं सर पाउडर बना के ओवन में डाल रखा है।
और फिर ये है ड्रैगन फ्रूट, इस तरह डालेंगे। ये ड्रैगन फ्रूट है एक छोटा, एक 1/4, 1/2, इस तरह। तीन क्यूब्स डालेंगे सर, तीन चार, मतलब जैसे आपको दिखने में सही लगता वैसे तीन डालिए मेरे हिसाब से। ये स्ट्रॉबेरी 1/4 काट के इसको इस तरह रखेंगे। ये देखिए इसकी गार्निशिंग, इसका मेन गार्निशिंग होना चाहिए इम्पोर्टेंट। और ये है रस्पबेरी और ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी, और ये है कुछ एक दो ब्लूबेरी। ये है तुम्हारा रसबेरी सॉस ना सर, रसबेरी सॉस किस तरह डालेंगे इसको। कुछ थोड़े बहुत पिस्ताचू क्रश करे हुए, ये देखिए काफी प्रेजेंटेशन इसका, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी होता है। और एक आध चॉकलेट के पीसेस इस तरह, और लुक में बहुत और स्टैंडर्ड लगे इस तरह रखेंगे, ताकि गेस्ट आते ही बोले वाओ व्हाट इज दिस ना सर। ये कंप्लीट प्लेटिंग है, ये देखिए कंप्लीट प्लेटिंग।